The invention of Willy Wonka. मिस्टर विली वोंका ने वोंका बाइट का आविष्कार शुरू किया था जो कि लोगों को जवान बनाता था, पर वोंका बाइट काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था जिस कारण कुछ लोग तो गायब ही हो गए। लोगों की उम्र माइनस में चली गई थी। एक इंसान की उम्र वास्तव में -87 साल हो गई थी, जिसका मतलब था कि उसे अब अपनी वास्तव उम्र में आने के लिए पूरे 87 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब मिस्टर वोंका ने एक नया आविष्कार बनाने की सोची। मिस्टर वोंका कहते हैं, अब मुझे फिर से एक बार अपनी साड़ की स्लीव्स को रोल करके काम पर बैठना होगा। एक बार फिर से मुझे अपनी दिमाग निचोड़ना होगा। एक नई रेसिपी खोज में मुझे उम्र बनाना होगा ताकि लोगों को बूढ़ा और बूढ़े को और ज़्यादा बूढ़ा बना सकूँ। ये कह के वो हंसने लगते हैं। उनके दिमाग में कुछ आइडियाज आने लगे और वो अपने आप से सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वस्तु क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज़्यादा औरों से लंबे समय तक जीवित रह सकती है? ए ट्री, चार्ली कहता है। तुमने सही कहा चार्ली, लेकिन किस तरह का पेड़? डॉगलास का पेड़ भी नहीं है, बबुल का पेड़ भी नहीं है, सीडर का पेड़ भी नहीं हो सकता। तो किस तरह का पेड़? हाँ, एक पेड़ है जिसे ब्रिस्टल कॉर्न पाइन कहते हैं, यानी कि चीत का पेड़, जो कि यूएसए के नेवाडा के विलर चोटी की ढलानों पर पाया जाता है। और आज के समय में भी ये पेड़ पाया जाती है उस जगह पर जो 4000 साल से भी अधिक पुराना है। ये तो एक फैक्ट है चार्ली। तुम चाहो तो किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, यानी कि जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, उनसे भी जाके पूछ सकते हो, या फिर तुम इसे डिक्शनरी में भी देख सकते हो। तुम्हें पता चलेगा ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से मिस्टर वोंका के खोज की शुरुआत हुई। इसके बाद मिस्टर वोंका द ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठ कर पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल पड़े और दुनिया की जितनी भी स्पेशल आइटम्स थी उनको उन्होंने कलेक्ट किया। उन्होंने 4000 साल पुराने एक ब्रिस्टल पाइन के पेड़ से थोड़ा सा रस लिया। फिर उन्होंने एक 168 साल के बूढ़े रूसियन किसान जिसका नाम था पेट्रोविच ग्रिगोरोविच की पैरों की उंगली के काटे हुए नाखूनों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने 200 साल पुराना एक कछुए के द्वारा दिए हुए अंडे को भी लिया जो कि टोंगा के राजा का था। उन्होंने अरेबिया में 51 साल के घोड़े की पूंछ को भी लिया। फिर 36 साल का बिल्ली जिसका नाम क्रम्पेट्स था उसकी मूछों को लिया। एक पुराना फ्लिया मतलब पिसू जो क्रम्पेट्स नाम की बिल्ली के बालों में पिछले 36 साल से रह रहा था उसे भी कलेक्ट किया। तिब्बत से एक 207 साल के विशाल चूहे की पूंछों को भी लिया। एक 97 साल की बूढ़े ग्रिमक्लिन यानी कि बिल्ली जैसा जीव जो माउंट पोपो कैटेपेटल के गुफा में रहता है उसकी काले दांतों को भी लिया। आखिर में उन्होंने पेरू से 700 साल पुराने कैटेलाओ यानी कि गाय बछड़ियों की हड्डियों को भी कलेक्ट किया। पार्ट टू में मिस्टर वोंका चार्ली से कहते हैं, पूरे दुनिया घूमने के दौरान मैंने बहुत पुराने और प्राचीन जानवरों की खोज की है और हर एक में से मैंने कुछ का छोटा हिस्सा भी लिया है, जैसे कि किसी का बाल तो किसी का आईब्रो और किसी सो रही जीप की पंजों के बीच में फंसे हुए जाम को भी कलेक्ट कर लिया है। मैंने एक फिसल पिक, बोबोलिंक यानी कि गाने वाली चिड़िया, स्क्रॉक, पॉलीफ्रॉग, जियंट कर्ली क्यूई, स्टिंगिंग स्लग, स्टिंगिंग स्लग एक प्रकार का कैटरपिलर जो डंग भी मारता है, और वेनमस स्क्वर्कल जो कि एक जहरीला सांप है जो लगभग 50 यार्ड्स के दूरी पर भी तुम्हारी आंखों में जहर फेंक सकता है। पर मेरे पास इन सभी चीज़ों के बारे में बताने का अभी समय नहीं है। बस अंत में मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि खूब उबाल लें और बुलबुलें निकाल लें और अच्छे से मिक्स करने और लैब में टेस्टिंग करने के बाद मैंने एक छोटे कप में ब्लैक ऑयली लिक्विड तैयार किया है और इसकी 4 बूंदें एक 20 साल के उम्पा लुम्पा जो कि मेरा सेवक था उसको दी, ये देखने के लिए कि आगे क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ? मिस्टर वोंका कहते हैं, द
बहुत ही बढ़िया हुआ। जैसे ही उसने वो चार बूंदों को निगला, उसके चेहरे पर रिंकल आना शुरू हुई, उसके पूरे बाल भी झड़ने लगे, उसके बाल भी गिरने लगे और मैं कुछ समझ ही पाता वो अचानक से 75 साल का बूढ़ा बन गया। आखिरकार मैंने विडा वोंग का आविष्कार कर लिया।